दोस्तों, मैं हूं वसीम और आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो कैड के बारे में, क्योंकि हमने 2D कमांड्स काफ़ी कुछ सीख लिए हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा सा पहले ड्राफ्ट करूं, फिर उसको मॉडलिंग करूं। तो क्या है, सबसे इजी जो है वो स्पाइनर ड्राफ्ट करना और उसको मॉडलिंग करना, 3D में कन्वर्ट करना सबसे इजी मुझे लगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक स्पाइनर ड्राफ्ट करें। वो भी कौन सा स्पाइनर? ओपन इन स्पाइनर, जिसको हम लोग रेंच भी बोलते हैं और हिंदी में पाना बोलते हैं। तो मेरे पास एक स्पाइनर था, ये देख सकते हो आप, ये मेरे पास एक स्पाइनर है। तो इसको पहले मैंने क्या किया, इसका फ्री हैंड स्केच बनाया, और क्योंकि मेरे पास वर्नियर नहीं था तो मैंने टेलर वाला जो टेप होता है, मेजरिंग टेप, उससे मैंने इसके डायमेंशंस मेज़र किए। कुछ डायमेंशन मैंने अस्यूम भी कर लिया और उसके बाद मैंने ये उसका फ्री हैंड स्केच बनाया। ये आप देख सकते हो, ये सारे डायमेंशन मैंने मेज़र करके और कुछ अस्यूम कर लिया, ये बनाया। तो क्योंकि ये एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही व्यू से हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, दूसरा व्यू सिर्फ थिकनेस के लिए ले सकते थे। अगर जो कोई कॉम्प्लिकेटेड रहता थोड़ा सा पार्ट, जिसमें कि 2-3 व्यू ज़रूरी है देना, तो उसके लिए हम लोग उसके 3 व्यू बनाते हैं, जिसमें 3 व्यू रिक्वायरमेंट है कि तीनों व्यू चाहिए ही। तो हम लोग मेनली जो 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक साइड व्यू, ये व्यू हम लोग बनाते हैं। उसका पहले हम लोग कॉपी पे, नोटपैड पे बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं ये स्पाइनर ड्राफ्ट करने के लिए। तो ये रहा अपना ऑटो कैड। तो इसमें क्योंकि मेरे पास वो पेज में भी बना हुआ, तो मैं यहाँ पेज से बार बार वो इसमें JPG पिक में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ अपने कॉपी से सारे डायमेंशन देख करके बनाते जाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले है एक, ये एक बार आप देख लो, और ये है सबसे पहले है एक रेडियस 16 का एक सर्कल है, फिर इधर भी रेडियस 15 का सर्कल है, और दोनों का डिस्टेंस 100 डिस्टेंस पे है, और इसमें फिलेट लगा हुआ इधर उधर। तो ये फिर ये रहा अपना ड्राइंग, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। फिर सेंटर रेडियस लिया, ये एक है 16 रेडियस का, 16 रेडियस डाला, इंटर किया। दूसरा है एक 100 डिस्टेंस पे, तो मैंने एक लाइन ले लिया 100 डिस्टेंस पे, ये लाइन बन गया। यहाँ इसके इन पॉइंट से एक सर्कल बना लेंगे, ये सर्कल बन गया अपना 15 रेडियस का, इधर का 15 रेडियस डाला, इंटर कर दिया, ये बन गया अपना। नेक्स्ट है क्या, इसका जो विड्थ है वो है 11 mm का। तो 11 mm के लिए इसको पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑफसेट ले लिया, डिस्टेंस डाल लिया, ऊपर नीचे लेना है तो इसलिए हाफ हाफ ले रहे हैं, हाफ ऊपर, 5.5 ऊपर और 5.5 नीचे, ये 5.5 नीचे ले लिया। अब क्या है, इसको ट्रिम कर लेते हैं, TR double enter डाला, ट्रिम कर ले रहे हैं इस वाले एक्स्ट्रा पोर्शन जो है, ये पोर्शन भी, ये पोर्शन भी, ये मैंने ट्रिम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, यहाँ पे फिलेट बनाया हुआ है, यहाँ इसके इनके बीच में, तो वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग टेंजेंट रेडियस से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट फिलेट भी ले सकते थे। फिलेट लेते तो क्या होता है, ट्रिम हो जाता है पोर्शन सारे, तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, टेंजेंट रेडियस, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, और रेडियस अपना 47 है, 47 डाला, रेडियस इंटर कर दिया, ये बन गया अपना। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रिम कर लेते हैं एक्स्ट्रा पोर्शंस अपने, ट्रिम किया, ये ट्रिम कर लेना है और ये ट्रिम अंदर का ट्रिम कर लिया मैंने। इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मिरर कर सकते हैं इसको, इसको सेलेक्ट किया मैंने, मिरर कमांड लिया, इसके अबाउट मिरर कर ले रहे हैं, मिरर कर लिया एक बार, इंटर। उसके बाद ट्रिम करने का काम अपना बचा है, ये पोर्शन ट्रिम करने का, ये कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, इधर भी सेम वैसा ही बनाना है, इधर के रेडियस है 23 रेडियस का, ये लिया, ये टेंजेंट, रेडियस 23 डाला, इंटर किया एक बार, और फिर ये ले लिया टेंजेंट रेडियस, ये टेंजेंट और रेडियस अपना 23 डाला, इंटर कर दिया। उसके बाद TR double enter से ट्रिम कर ले रहे हैं सारे एक्स्ट्रा पोर्शन जो हैं, ये अंदर के भी हैं, ये भी अंदर के, ये मैंने, ये ड्राफ्ट हो गया। अभी इसमें क्या, ओपन इन के लिए जगह छोड़ना, तो ओपन इन के लिए क्या, वो साइज़ है इसमें दिया हुआ, एक है 17 का, एक तरफ है 13 का, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये मैंने जब मेज़रमेंट किया तो इसमें लगभग 10.5 डिस्टेंस पे आया हुआ है,
तो ये हम लोग 10.5 ले ले रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ अस्यूम कर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत डायमेंशंस में थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। तो हम लोग क्या लिया इधर 10.5 लिया, इंटर कर दिया और ये नीचे कहीं भी प्रोजेक्ट कर दिया। इसको ट्रिम कर लेते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन, ये रहा ट्रिम। अब यहाँ पे जो है एंगल है 17 डिग्री पे, तो उसके लिए लाइन लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया इस पॉइंट से, और कैसे डालेंगे वो वाला एट दी रेट वाला सिस्टम से जो फर्स्ट या सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो ये लिया मैंने एट दी रेट 17 mm लेंथ लाइन का, उसके बाद एंगल का साइन डाला और एंगल भी अपना है 17 डिग्री डाला, इंटर कर दिया, ये बन गया ओपन इन के लिए जगह। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऑफसेट ले सकते हैं हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस पे 17 डिस्टेंस पे दिया हुआ है, क्योंकि ओपन इन 17 है अपना, इसलिए 17 डिस्टेंस पे ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन अपना काम, ट्रिम करना, ट्रिम कर लिया TR डबल इंटर, ये ट्रिम कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ से आप ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ से है क्या एक आर्क है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं आर्क है जो कि 13 रेडियस का, तो हम लोग ले सकते हैं स्टार्ट इन रेडियस का आर्क ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाता है आर्क, तो इसलिए हम लोग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये सेलेक्ट किया और रेडियस डाल दिया 13 इंटर, ये बन गया अपना ओपन इंड। अब क्या है, इसको हमने रेफरेंस लाइन लिया था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको डिलीट कर लेते हैं, ये मैंने डिलीट कर लिया। नेक्स्ट है इधर भी वैसा ही बनाना, तो इधर बनाने के लिए क्या है, इधर का भी डायमेंशन जो है 2.25 इधर का आया, तो इधर हम लोग इधर जाते हैं 2.25 लिया, इंटर किया और इसको इधर प्रोजेक्ट कर देते हैं कहीं भी, TR डबल इंटर से ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम कर लिया मैंने। नेक्स्ट है अपना 17 डिग्री, ये भी है, तो 17 डिग्री कैसे जा सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया ये 180 प्लस 17 डिग्री एट द रेट डाला, लाइन लेंथ है 13 mm का ओपन एंड, एंगल का साइन डाला, 180 प्लस 17 हो जाता है अपना 197 इंटर, ये बन गया अपना लाइन। इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस कर सकते हैं, ऑफसेट ले सकते हैं, ऑफसेट लिया, डिस्टेंस डाला 13 mm इंटर, ये बन गया। क्या फिर क्या है ओपन इन के लिए, ये जगह छोड़ना है, तो ये ट्रिम कर लिया हमने, इसको हमने लिया था रेफरेंस लाइन एज ए रेफरेंस लिया था, तो इसको डिलीट कर ले रहे हैं, और ये भी रेफरेंस लिया था, इसको भी हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं, ये डिलीट कर लिया। यहाँ भी अब है आर्क बनाना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि इसलिए हम लोग लेंगे वही स्टार्ट इंड रेडियस, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है अपना, इंड यहाँ हो रहा और रेडियस इधर का है 9 mm, 9 डाला, इंटर कर दिया, ये बन गया अपना स्पाइनर, ये हमने ड्राफ्ट कर लिया स्पाइनर को, ये भी एक्स्ट्रा पोर्शन इसका भी ये हम लोग हटा लेते हैं, ये 100 mm का था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसको क्या है, इसको 3D में कन्वर्ट करना, मेन 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाते हैं, ये क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रेस पुल कर सकते हैं, प्रेस पुल लिया, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग प्रेस पुल ले लेते हैं, प्रेस पुल लिया। अब क्या है, इसके एक ही बार में पूरा प्रेस पुल करते हैं, तो क्या है, इसको पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर लिया, प्रेस पुल लिया, इसको हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। अगर जो थिकनेस था अपना 5 mm का, 5 mm थिकनेस हम लोग अस्यूम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक डायरेक्शन में ऊपर के तरफ 2.5 है ना, और नीचे के साइड भी 2.5, नीचे की तरफ भी 2.5 जा सकते हैं हम लोग, नीचे के साइड -2.5 होगा, ये मैंने बना लिया इसको। नेक्स्ट क्या है, ये इसको प्रेस पुल करना है, इसको यहाँ पे आप जब देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, तो ये हम लोग लेते हैं 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर लिया,
और 3 नीचे लेते हैं तो -3 डालना होगा, -3 डाला, इंटर कर दिया, ये मैंने बना दिया। नेक्स्ट है इधर भी वही सेम प्रोसेस, 3 ऊपर, और क्योंकि ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें हम लोग दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग एक एक करके ले रहे हैं। इधर भी -3 डाला, इंटर कर दिया। जब हम लोग मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो वहाँ खुद पता चल जाएगा वो क्यों हम लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं। तो ये मैंने बना लिया, उसके बाद अब इसको आप देख सकते हो रियल व्यू में, रियलिस्टिक में, ये देख लो रियलिस्टिक व्यू में, ये देख सकते हो ये रियलिस्टिक व्यू आया इसका, ये ऊपर की, ये मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा गैप जो रहता है ना, आप देख सकते हो जब मेरे पास जो ये हैं, ये इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शंस है, तो वो मैंने थोड़ा सा अस्यूम कर लिया, ये हो गया। अब इसमें क्या है स्लॉट डालने का यहाँ से, तो स्लॉट वो कैसे डाल सकते हैं हम लोग, स्लॉट हम लोग डाल सकते हैं इसको, पहले 2D वायर फ्रेम कर लिया मैंने, इसको व्यू भी चेंज कर लिया, टॉप व्यू कर लिया, यहाँ पे स्लॉट डालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले एक लाइन ले लिया इसके मिडिल से इसके मिडिल तक, ये लाइन ले लिया इसके मिड पॉइंट से, अब क्या करेंगे हम लोग पॉली लाइन लिया इसके मिड से, इसके मिड को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये, तो ये मैंने सेलेक्ट किया पहले यहाँ पॉली लाइन लिया मैंने। अब ऊपर के डायरेक्शन में क्योंकि कुछ ये लगभग 5'11" था, तो 5'5'10" इधर हम लोग जाते हैं थोड़ा सा इतना 3 mm तक, 3 गए, इंटर किए, इस डायरेक्शन में 25 mm, 25 गए, इंटर किए। अब यहाँ से आर्क लेना, आर्क के लिए ए इंटर कर सकते हैं या यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, आर्क लेना है 6 का क्योंकि हमने 3 लिया था डिस्टेंस, तो 6 का आर्क ले लिया। अब फिर यहाँ से लाइन के लिए एल इंटर करेंगे, एल डाला, इंटर किया इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 25 लिया था 20, तो इधर 50 ले रहे हैं बराबर एक। अब यहाँ से फिर आर्क लेंगे, आर्क के लिए ए इंटर कर सकते हैं, ये आर्क लिया मैंने 6 mm का, और फिर लाइन के लिए एल इंटर किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमने ये रेफरेंस लाइन लिया था इसको डिलीट कर ले रहे हैं, और ये पोर्शन क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लोर करके ट्रिम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर लिया और इसको डिलीट कर लिया, ये बन गया अपना स्लॉट। अब इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में जब देखेंगे तो ये कहाँ बना, ये देख सकते हो आप, ये ऊपर बना इसके ऊपर, तो अब इसको क्या करना है, एक नीचे भी, क्योंकि एक ऊपर भी है और नीचे भी, दोनों साइड होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसको साड़ी को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी के लिए CO, इंटर, इसके बेस पॉइंट कहाँ, बेस पॉइंट यहाँ ले रहे हैं हम लोग, और क्योंकि हमने जो थिकनेस रखा था वो 5 mm रखा था, तो नीचे के डायरेक्शन में भी हम लोग ये 5 mm का ही रख जाएंगे, तो नीचे माइनस 5 mm, इंटर, ये ऊपर आ गया क्योंकि वो हमने डायरेक्शन दिया था, ये 5 mm नीचे, ये 5 mm ले लिया हमने, ये जो एक ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गया ऊपर की साइड वो हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा बन गया ऊपर क्योंकि हम लोग माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जा ही रहे थे एरो से, कर्सर से, और फिर हमने ले लिया था माइनस ही, इसलिए वो ऐसा आया था। तो ये है, मैंने ये देख सकते हो आप, ये बन गया स्लॉट। अब क्या कर सकते हैं, इस स्लॉट को थोड़ा सा काटना है इसमें से, तो क्या कर सकते हैं, फिर से प्रेस पुल ले सकते हैं हम लोग, प्रेस पुल लिया, इंटर किया, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया इस नीचे के डायरेक्शन में माइनस 0.5 ले सकते हैं हम लोग, माइनस
0.5 mm, इंटर, ये हो गया, ये देख सकते हो यहाँ कट गया ये। और इधर से भी हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे, पीछे से भी। तो घुमाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल से, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल से हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट के साथ पहले इसको स्केप कर लिया, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल कर सकते हैं, ये लिया मैंने। अब इसको फिर से प्रेस पुल कर लेते हैं, प्रेस पुल लिया, ये अपना रहा, इसको इस डायरेक्शन में 0.5 इंटर, ये देख सकते हो आप, ये कट गया यहाँ से भी, ये बाहर की साइड आ गया। तो इसको हम लोग फिर से डिलीट कर लेते, कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं, कंट्रोल जेड से वापस आ गए। अब इसको माइनस इधर से भी डालना होगा, तो प्रेस पुल लिया हमने, प्रेस पुल लिया, ये सेलेक्ट किया, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में -5.05 डाला, ये दूसरा सेलेक्ट हो रहा, ये देखो ये सेलेक्ट हुआ, इधर -0.5 डाला, इंटर कर दिया, ये देख सकते हो आप, ये भी यहाँ से भी कट गया, ये हो गया। नेक्स्ट इस पर अगर जो हम लोग कुछ लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं वो एनोटेशन से, है ना। तो ये रहा अपना स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर। इसमें हम लोग और भी बहुत बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए, जो कि दिखने में अच्छा हो। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फिलेट यूज़ कर सकते हैं, वो मॉडलिंग में होते हैं, 3D मॉडलिंग में जाके वहाँ से फिलेट यूज़ कर सकते हो। ये सॉलिड में जब यहाँ आएंगे तो ये यहाँ एज फिलेट है, फिलेट एज सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व शेप का बनाना हो तो हम लोग ये चेन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको इस कर्व को सेलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हो यहाँ से फिलेट आ रहा है वहाँ तक। यहाँ भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर लिया, ये भी फिलेट बन गया, ये इंटर कर लिया, ये देख सकते हो आप, ये फिलेट बन गया वहाँ। नेक्स्ट है यहाँ भी अगर जो चाहिए यहाँ भी, तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं फिलेट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले पीछे का है ये जो ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ऑफ़ कर सकते हैं, ये ऑफ़ हो गया, ये ग्रिड्स यहाँ से ऑफ़ हो गए। ये यहाँ से आप जहाँ जहाँ आपको फिलेट देने का हो, जो कि डिज़ाइन अपना अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो आप लोग डाल सकते हो। तो ये रहा आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग जब मॉडलिंग, जब हम लोग 3D में जाएंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि जब जैसे वीडियो बने और तो आपके पास पहुंच जाए, इसलिए। तो नेक्स्ट में हम लोग, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो बॉक्स इन स्पैनर होता है वो हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑटोकैड में भी वो देखेंगे और वो हम लोग मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे। तो फिर आज के लिए थैंक यू।